धर्म और संस्कृति की नगरी मेवाड़, श्रद्धा से ओतप्रोत मेवाड़, आस्था का प्रतीक मेवाड़। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की राजधानी रही उदयपुर की, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वह राजमहल की प्राचीर और उसके थोड़ा सा करीब जगदीश मंदिर की गुंबद हमें दिखाई देती है। ये वही अंदरूनी शहर है जहाँ पर आरती और अजान के साथ सुबह होती है और उसी के साथ शाम होती है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसी बात सामने आई जिससे विवाद शुरू हो गया और बात आ गई सनातन पर, सनातन धर्म पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म होता क्या है। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना, जिसका न कोई अंत है न कोई आदि है, और इसीलिए इस धर्म को पालना करने वाले हजारों हजारों लोग हमेशा अपनी आस्था के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। जग प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में प्रवेश को लेके इन दिनों एक बहस छिड़ चुकी है, और उस बहस में आ गई है वेशभूषा जो मर्यादित होनी चाहिए। इसको लेकर सनातन धर्म से जुड़े कुछ लोगों ने एक पोस्टर मंदिर पर चस्पा कर दिया था, जिसमें शर्ट, हाफ शर्ट, बरमूडा, हाफ पैंट, इस तरह की इत्यादि जो भी अमर्यादित उनको लगते हैं वो वेशभूषा पहनकर आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बहस उठी, मीडिया में आई, और उसके बाद देवस्थान विभाग ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सारे ही पोस्टर हटा दिए और उपज गया विरोध। विरोध ऐसा उपजा कि जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर दर्जनों लोग नारेबाजी करने लगे और अपना विरोध जताने लगे। आइए सबसे पहले चर्चा चौराहे की में इस विरोध को आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि आखिर इस विरोध की वजह क्या थी और इसके पीछे के कारण क्या रहे। देवस्थान विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देवस्थान विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंदिर प्रांगण में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंदिर प्रांगण में अतिक्रम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सनातन धर्म से खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम आपको जगदीश मंदिर लेके आए हैं। आइए, जगदीश जी पुजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जगदीश मंदिर के पुजारी भी हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर, कुछ युवा साथियों के द्वारा इस तरह का जो पोस्टर लगाया गया है उसे कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, ये काफ़ी टाइम से सभी जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी ये मांग कर रहे थे कि इस तरह से जो लोग आ रहे हैं तो मंदिर के अंदर, तो उनको आप किसी भी तरह से उनसे अनुरोध कीजिए कि वो मंदिर के अंदर सही वेशभूषा में पधारे। तो इसी चीज़ को सोचते हुए तो भक्तों ने एक ऐसा इस तरह के पोस्टर बनाए थे, सभी से अनुरोध किया कि मंदिर के अंदर शालीनता से पधारे और जो अपनी सनातन संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए एक इस तरह का पोस्टर लगाए गए थे। उसमें अनुरोध किया गया था कि आप शालीनता से पधारे और दर्शन का लाभ लेवे। देवस्थान विभाग के इस कदम को उचित मानते हैं अनुचित? ये बहुत ही अनुचित कदम है, क्योंकि देवस्थान विभाग ने जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने आनंद फनन में जो फैसला लिया वो बहुत ही गलत फैसला लिया गया। क्या इसमें मंदिर परिसर के पुजारियों का पूरा सहयोग था इसी तरह का पोस्टर लगाने का? नहीं, ये तो भक्तों का काफ़ी समय से मांग हो रही थी कि नहीं इस तरह से। भक्तों ने आपको तो अवगत कराया होगा इस चीज़? हाँ, भक्त के रहते कि नहीं इस तरह से ऐसे आते हैं तो इस तरह का बंद करना चाहिए आपको। तो सभी भक्तों ने मिल के ये चीज़ ये लगाया था पोस्टर, और उसमें ऐसा प्रतिबंध नहीं, इसमें अनुरोध किया। हम जिन्हें जब देवस्थान विभाग के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने का ये कहना है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया नहीं और देवस्थान विभाग सरकार के अधीन काम करता है। नहीं, लेकिन तो क्या जो इन लोगों ने ये पोस्टर लगाया था वो देवस्थान विभाग से इजाज़त लेकर भी लगा सकते थे? नहीं, डिपार्टमेंट को हर चीज़ के बारे में अवगत कराते हैं कि इस तरह से है, लेकिन न तो डिपार्टमेंट की तरफ से कभी कोई व्यवस्था ऐसी की गई और न ही अभी तक कोई लागू की गई उन्होंने। तो काफ़ी टाइम से जो भक्तों में जो रोष चल रहा था उनके अंदर की भावना थी कि नहीं इस तरह से है, तो न डिपार्टमेंट न कभी इस चीज़ को ध्यान देता है,
इस कारण से भक्तों ने लगाया है, कोई गलत नहीं किया इसमें। आप शहर के मध्य में रहते हैं, बिल्कुल सिटी सेंटर जिसे कहते हैं, शहर की धड़कन भी है, ऐसे में उदयपुर एक पर्यटन सिटी भी है, ऐसे में यहाँ के लोकल लोगों पर ये अगर नियम होता तो हम उसे उचित भी मानते, पर पर्यटकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पर्यटक अगर यहाँ पे इस तरह से आ भी जाते हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे आप मंदिर परिसर में। अनुरोध कब तक होगा? एक समय के बाद जाकर वो कहीं विरोध में तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, उसका किसी भक्त का कोई विरोध नहीं है। इस तरह से आ भी गए हैं तो हम मंदिर तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं उनको ट्राउजर्स और इस तरह से कर किया जाए तो वो उस चीज़ को पहन के आ जाए, दर्शन कर ले जी। अगर इसी तरह से अगर और यही चीज़ अगर मीडिया के माध्यम से और यहाँ की ट्रैवल एजेंसी सभी को उनको अवगत करा देंगे तो उससे क्या होगा कि जब वो जब हर चीज़ का नियम उनको पता है तो जब वो मंदिर के लिए आ रहे हैं देखने के लिए तो उसी सब ट्राउजर्स और वो पहले से शालीनता वाले वस्त्र पहन के आएंगे जी। मेरा ये सोचना है। समांतर जगदीश मंदिर के समांतर भी कई ऐसे बहुत सारे ऐसे मंदिरों के अंदर ऐसे पोस्टर लगाए गए, ऐसे बैनर लगाए गए, तो इन सारी चीज़ों को हिंदू संस्कृति के हिसाब से किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो हिंदुओं के ये तो अपने सनातन धर्म की एक जो विधि है। आज कहीं पे आप जाएंगे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ की ड्रेस है तो वो ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। अगर बहुत सारे स्कूलों में भी ऐसी ड्रेस है जहाँ पर बच्चों बच्चियों को इतनी इतनी सी स्कर्ट में बुलाया जाता है, तो उनका विरोध क्यों नहीं होता है? ये मेरा सोचना है कि वो प्रशासन को ये भी चीज़ इसका भी ध्यान रखना चाहिए इस तरह से कि वो अपनी मर्यादा इतने वर्षों से जो चली आ रही है उसको अंग्रेजी सभ्यता से जोड़कर जो किया गया है वो सभी वो एक प्रश्न आपसे और जानना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं ब्राह्मण तो मेरे लिए हिंदू भी हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला, हो सकता है मेरे लिए जब्बा और धोती मेरे लिए यहाँ की सांस्कृतिक वेशभूषा हो, पर इंग्लैंड में रहने वाले माइकल भाई के लिए तो वो उसकी वेशभूषा नहीं होगी। तो वो शर्ट और पैंट पहन के आ सकता है ना, उसमें कोई मना थोड़ी है मंदिर में आने के लिए। किसी भक्त के लिए मंदिर में किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। अगर वो आएगा तो वो उसका भी स्वागत है। अगर वो यही जरूरी नहीं है कि धोती और कुर्ता यही पहनना है, शर्ट और पैंट पहन के आ सकते हैं। केवल ये एक भ्रामक फैलाया गया कि नहीं ये पर्टिकुलर कोई ड्रेस नहीं है, जैसे कल बस यही है कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी जब्बा अपने शर्ट और पैंट वो सभी अलाउ, इसमें सभी का स्वागत है इसमें। और नई मंदिर प्रशासन की ओर से नई मंदिर के किसी के द्वारा किसी को ये ऐसा किया गया नहीं, आप मंदिर में नहीं जा सकते, हमने उसके लिए की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्तों का स्वागत है यहाँ पे। सनातन धर्म की पालना हर हिंदू करता है, लेकिन अचानक आए ऐसे फरमान के बाद में एक तबका ऐसा है जिसे लगता है कि ये जो फरमान है ये तुगलकी फरमान है और इस तरह का फरमान एकदम आना उचित नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड 4 के पार्षद अरुण टाक की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बड़े ही गुस्से से इस पूरी चीज़ को बताया कि वह लोग कौन होते हैं जो सिर्फ इन वेशभूषा के लिए या फिर किसी धर्मस्थल में प्रवेश कैसे होगा इसके लिए वो अपने नियम कायदे बनाए। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, आज कल मतलब अगर बात की जाए कल की, तो कल देवी विस्तार विभाग द्वारा जगदीश मंदिर के ऊपर एक पोस्टर के ऊपर एक कार्रवाई की जाती है। उस पोस्टर में यह चिन्हित था कि भाई छोटे कपड़े पहनकर शॉर्ट्स पजामा या फिर बरमूडा पहनकर अगर आप मंदिर में आते हैं तो आपका प्रवेश वर्जित है और देवस्थान विभाग द्वारा उसको हटाया जाता है। उसके विरोध में आज कुछ संगठनों द्वारा, जिसका नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा था, पर कुछ युवा संगठनों द्वारा वहां पर उसका विरोध किया गया। इन सारे विषयों में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर ध्यान दिया, उसके लिए धन्यवाद जी। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, उनके प्रतीक, उनके आराध्य देव के पौराणिक मंदिर हैं, सबसे पुराना सनातन धर्म है। धर्म में कभी भी परिवेश को लेकर किसी चीज को अगर चिन्हित करते और मठाधीश, हमारे मुनिवर, ग्रंथ वेद हमें बताते, उसे तो हम उनका निर्देश और उपदेश समझकर मानते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं तो इस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर पोस्टर छाप देते हैं? इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ कई सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं और गुजरात के अन्य प्रदेशों से सभी सैलानी आते हैं, और बरमूडा पहनना, टी शर्ट पहनना, नाइट ड्रेस पहनना ये कोई विषय नहीं है। विषय वह उसकी पवित्रता है,
कि वह नहा धोकर, तो हिंदू धर्म जो अनुयायी है वो अगर किसी मंदिर में जा रहा है तो पवित्रता को ध्यान में रखकर ही जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। हमारे भाई बहन जितने भी हैं, जो भी हमारी हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें सभी जानते हैं, और धर्म तो बरसों से हमारे यहाँ हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, चाहे वो एकलिंगनाथ का मंदिर हो, चाहे जगदीश जी का मंदिर हो, बोरा गणेश जी का मंदिर हो, मैंने आज तक इस तरह से कभी आज तक सुना और ना देखा। जी, एक छोटी सी बात आपसे जाननी थी कि उदयपुर विश्व पटल पर अपने पर्यटन के लिए जाना जाता है, ऐसे में बहुत से मतलब अधिकांश लोगों की आय का स्रोत पर्यटन पे ही निर्भर करता है। जी, ऐसे में इस तरह का फरमान जो है ये यहाँ के पर्यटन उद्योग के लिए कितना घातक हो सकता है? सर, पर्यटक उद्योग के लिए तो बहुत ही गलत साबित होगा, लेकिन ऐसे ऐसे पहली बात तो ऐसे लोगों की बात ही, उनको तो तुरंत प्रभाव से उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपनी संकीर्ण विचारधारा से हम सब हिंदुओं को निर्देशित कर दिया आपको ऐसे रहना, कर तो हमारे आहार और व्यवहार पर भी निर्देशन जारी कर देंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह से तुगलकी फरमान, तालिबानी जो हुकूमत जो करती है वैसा कर दिया। हम अंग्रेजों के राज में नहीं रह रहे हैं, हम मुगलीय राज में नहीं रह रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत के हैं। हमारे विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और हमारे संवैधानिक अधिकारों पर इस तरह से कोई कैसे बंदिश लगा सकता है? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें नजरबंद करना चाहिए। हो सकता है वो संकीर्ण विचारधारा के लोग जो इस तरह से काम करते। मैंने भी उस पोस्टर को भास्कर की पत्रिका में पढ़ा, भास्कर फ्रंट पेज पे जो आया उसको मैंने पढ़ा, और उसी के बाद मैंने अपनी इच्छाएं और अपनी जो हमारी जो सोच है उसको मैंने फेसबुक के माध्यम से शेयर किया। ऐसे लोगों को और किसने अधिकार दिया उस व्यक्ति को? वो कौन है ऐसा व्यक्ति और कौन सा दल ऐसा जो हिंदू संस्कृति में हिंदुओं के लिए इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करता है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे को मंत्रित करेगा? कल को तो हमारे घर में आकर हमें कहेगा कि आपका मंदिर इस तरह रखो, आप इस तरह से बैठ कर पूजा अर्चना करो। और पहली बात कि किसी अन्य धर्म से हमारी तुलना हिंदू धर्म की क्यों करेगा और क्यों करनी चाहिए? इस हिंदुस्तान में तरह तरह के धर्म, तरह तरह की भाषाओं, वर्ण वर्ग के लोग रहते हैं, इसीलिए तो स्थान है अनेकता में एकता, अखंड भारत की परिभाषा है। एक छोटा सा सवाल का आपसे जवाब और चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि विगत 9 साल बाद जिन जिनके हमने इंटरव्यू लिए उनमें से कुछ लोगों का यह मानना है कि 9 साल के अंदर हिंदू जागा है, 9 साल में, पिछले 9 साल का है, जब से हमारे राम भगवान ने अवतार लिया साईनाथ ने, और जितने भी हिंदू सनातन धर्म के पूज्य विशिष्ट ईश्वर रूपी महापुरुषों ने धरती पर जन्म लिया, तब से हिंदू जागा हुआ है। और हमारे पूर्वजों ने ये हमें बताया कि सनातन धर्म के सो ये वेद पुराण ये जितनी चीजें हैं ये हमने अभी नहीं बनाई है 9 सालों में जी, तो बनी हुई है। ये संकीर्ण विचारधारा के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, ये मंदिर ये सारी चीजें हमारी आज की बनी हुई नहीं है। फिर आप वहाँ लिखते हो कि ये इतनी ईस्वी में बना है, तो क्या हिंदू उस समय जागा हुआ नहीं था, तब वो मंदिर बना रहा था जी? ऐसे नहीं होता है। ये किसने लिखे हैं ग्रंथ? इन्होंने लिखे हैं 9 साल में जी। इसकी बड़ी जिसको पहले तो इनको पाठशाला में जाना चाहिए और इस हिंदू संस्कृति को समझना चाहिए। हिंदू परिवार में जन्मा हूँ और हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और ये हर व्यक्ति मेरे जैसे जो हिंदू हैं उन सबका अधिकार है बोलने का, लेकिन किसी पर अपनी इच्छाओं को थोपने का अधिकार नहीं है। ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हमें इस स्वतंत्र भारत में अपने धर्म के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मंदिर में मर्यादित वेशभूषा पहनकर जाने का जो आदेश है वह संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने जारी किया है। ये कौन लोग हैं? कल तो ये लोग हमारे घरों में आकर भी बताएंगे कि हमें पूजा कैसे करनी है। हम इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये कहना था अरुण टाक का। चलिए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रविंद्र शिमाली की, जिन्होंने सीधे से कहा है कि 9 साल से हिंदू एक होने शुरू हो गए हैं। अब वो 9 साल क्या हैं, कैसे हैं, ये आप सभी जानते हैं। क्या इससे पहले हिंदू एक नहीं थे? क्या इससे पहले सनातन धर्म की लोग नहीं मानते थे? लेकिन
इन्होंने जिस हिसाब से कहा उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं 9 साल का आंकड़ा वह देश के प्रधान सेवक के कार्यकाल को लेकर भी देख रहे हैं, और उनका ये मानना है कि उनके आने के बाद ही हिंदू एक हुए हैं और सनातन धर्म के लिए जो भी हो रहा है वो उनके आने के बाद ही हो रहा है। चलिए इन्हें भी सुन लेते हैं। कुछ लोगों के द्वारा मंदिरों पर ये तथाकथित बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि छोटे कपड़ों में बेल्ट पहनकर इस तरह से मंदिर प्रांगण में प्रवेश ना करें, इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? और उदयपुर की पटल पर देखा जाए, क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन नगरी है और उदयपुर के लोगों की आय का मुख्य स्रोत पर्यटक है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। उदयपुर की पहचान एक पर्यटन नगरी के रूप में है और यहाँ पर जिस प्रकार के हमारे आस्था के केंद्र हैं, मेरा निवेदन है कि आस्था के केंद्र पर यदि हम अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा आचरण व्यवहार करेंगे तो एक अच्छा संकेत जाएगा। कुछ संगठनों ने जिस प्रकार का विरोध किया है कि ये जो छोटे कपड़े में पहनकर और ये मोजे और ये जूते पहनकर जो ऊपर जाते हैं, इसके लिए इसको लेकर मेरे मन में ये विचार है कि आप साउथ में आप देखिए, अधिकांश मंदिर के अंदर वहाँ पर परंपरागत तरीके से वहाँ की वेशभूषा धोती है या जो कुछ भी है उसके अनुसार उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है कि वहाँ की जिस प्रकार की एक पहचान है, हम चाहते हैं हमारे मंदिरों में भी यदि संगठनों ने लगाया तो कोई गलत काम नहीं किया है। इसके लिए मैं धार्मिक संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐसा कक्ष स्थापित किया जाए जहाँ पर उनके लिए धोती हो या ऐसी वेशभूषा हो जिनको पहनकर मंदिर में अपन जा सकें और भगवान के दर्शन भी आराम से कर सकें। इस कहीं ना कहीं जो समाज में विकृति आई है, इस विकृति को ठीक करने के लिए संगठन को आगे आना चाहिए। और आप देख रहे हैं पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से सनातन धर्म प्रेमी सब एकजुट होकर अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा, अपना पहनावा और साथ ही साथ हमारा जो ये जो हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी हैं वे किस प्रकार सुरक्षित रहे, ठीक से रहें, तो मेरा निवेदन इतना सा है कि सभी लोगों को विचार करना चाहिए इसमें और ऐसा कक्ष बनाकर जो ऐसी वेशभूषा में आते हैं, शॉर्ट कपड़ों में आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो ताकि मंदिर की गरिमा भी बनी रहे और जिस भाव से अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर भी एक पर सर ऐसे में अगर बात की जाए उदयपुर की, तो उदयपुर अपने पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यहाँ बहुत से विदेशी भी आते हैं। आपके लिए हो सकता है कि धोती एक पारंपरिक वेशभूषा हो पर वहाँ पर तो शॉर्ट्स पहनना वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है, तो ऐसे में दोनों संस्कृतियों को गठजोड़ कर कर एक अपन गंतव्य स्थान पर ला रहे हैं और प्रभु जगदीश जी हों जो कि मेवाड़ के आराध्य देव हैं, बोरा गणेश जी हों, इन मंदिरों पर ऐसा, क्योंकि वहाँ पर मुख्यतः पर्यटक भी जाते हैं। देखिए आपने प्रश्न तो बहुत सटीक किया है, हमारा ये पर्यटन नगरी भी है, पर्यटक भी आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटकों का वेशभूषा जो पहनावा आपने हम सब लोग विदित हैं, लेकिन यदि एक बार थोड़ा सा प्रयास कर उनको भी इसके अनुरूप ढालने का प्रयास करेंगे जी, आपने देखा होगा हम हरे राम हरे कृष्ण उसके अंदर भी धोती पहना वो बिल्कुल, मैं वो अपना तिलक ये पुंडिक लगाते हैं, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन ये निवेदन करना चाहता हूँ यदि एक बार थोड़ा सा अभ्यास किया और सभी धर्मों के लोग सभी लोग इसके अंदर अपना सहयोग करेंगे, इसको केवल अपना ईगो नहीं बनावें अपितु तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जिस भावना के साथ ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं यदि थोड़ा सा पहनावा भी ठीक होगा तो अपने मन के अंदर भी एक अच्छी फीलिंग होगी। लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, मैं सोचता हूँ इसके अंदर सभी संगठनों को साथ में बिठाकर एक निष्कर्ष निकालना चाहिए और समाधान की दृष्टि से, जैसे त्रिवेंद्रम का मंदिर है अपना जी, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, वहाँ पर आपने देखा होगा आपके जो अधोवस्त्र है सब उसमें खोल के केवल एक धोती होती है। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम उदयपुर में भी देखते हैं कहीं ऐसे जैन मंदिर है जहाँ पर आज सुबह सुबह भी लोग बाग अपने वेशभूषा के अंदर जाते हैं। वो मेरा निवेदन इतना सा है एक बार इस पर सभी जनों को विचार विमर्श करा के। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अंतिम और आखिरी सवाल है आपसे कि इन सारी चीज़ों के पीछे अगर जो ये कुछ हुड़दंगा ही होते हैं, वो अगर पर्यटकों के साथ कोई बदतमीजी करते हैं या कोई हाथापाई जैसी नौबत आती है और ऐसे में कोई सूचना बाहर विदेशों तक जाती है, उससे जो अपने पर्यटक नगरी को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। और अगर हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हम मनाली घूमने गए और वहाँ पर सब पर्यावरण प्रेमी इकट्ठा कहेंगे कि आप पहाड़ों की ट्रेकिंग ना करें, तो फिर लोग मनाली घूमने क्यों जाएंगे? देखिए ये जो ये प्रश्न क्यों दिमाग में आया, आपका प्रश्न भी बिल्कुल वाजिब है,
लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो प्रारंभ करना है, और साथ में आपने बताया कि मान लो पर्यटकों के साथ में कोई दुर्व्यवहार करा है, मिसबिहेव करे, तो उसके लिए कानून की व्यवस्था, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पर तो मेरा तो यही मानना है कि सभी धार्मिक संगठन जो इसमें इन हमारे मंदिरों से जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठक कराकर, जिला प्रशासन भी साथ में बैठे, देवस्थान विभाग भी बैठे, जनप्रतिनिधि साथ में आए और एक प्रकार का मध्यम मार्ग इसमें निकालें ताकि पर्यटकों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और यहाँ पर नित्य प्रतिदिन जो सुबह शाम भगवान के दर्शन करने, पूजा करने आते हैं, उनको भी आनंद की अनुभूति हो। और परिणाम की दृष्टि से मैं एक बार फिर कहूँगा कि इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए और इसके लिए विकल्प क्या हो उस विकल्प को भी तैयार रखना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, इसमें सभी को भागीदारी निभानी चाहिए और जो भी नियम हैं उनको सही ढंग से पालना करनी चाहिए। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रविंद्र सिमाली का। वहीं इस मामले पर जब उदयपुर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हो रहा है वो होना चाहिए लेकिन ये नियम कायदों के अंदर होना चाहिए। पहले विभाग को इसमें संतुष्ट करना चाहिए था, विभाग की मंजूरी लेनी चाहिए थी। अचानक जिस तरह सा आदेश आया है उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों की जो नगरी है इसमें पर्यटन को नुकसान होगा, क्योंकि बाहर से जो भी लोग आते हैं उन्हें ये पता नहीं होता और अगर बार बार उन पर किसी चीज़ का विरोध किया जाएगा या किसी चीज़ को प्रवेश के लिए उन्हें निषेध किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारी नगरी आगे बढ़ी है उसे नुकसान होगा। ये कहना था गोपाल कृष्ण शर्मा का, आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। जी, हाल ही में आज सुबह भी हमने देखा कि जगदीश मंदिर पर कल देवस्थान विभाग द्वारा कोई कार्रवाई करते हुए कुछ वहाँ बैनर पोस्टर लगे हुए थे, कुछ युवा या कुछ संगठनों के द्वारा वो बैनर पोस्टर लगाए गए थे वहाँ पर। और जगदीश मंदिर ही नहीं अभी तो उदयपुर के बहुत सारे मंदिरों में वो लगाए गए थे, जिसमें बोरा गणेश जी का मंदिर भी शामिल है और बहुत बड़े बड़े मंदिरों के नाम शामिल है, जिसमें खुले तौर पर ही लिखा हुआ था कि भाई छोटे कपड़ों में, लोअर में या वेस्टर्न ड्रेस में मंदिर में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? और उदयपुर एक टूरिस्ट नगरी है, ऐसे में यहाँ पे लोगों की आय का मुख्य स्रोत भी पर्यटन पर निर्भर रहता है, तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं आप? एक चीज मुझे बताएं कि आज तक क्या होता आया है और ये सडनली ऐसे निर्णय क्यों लिया गया? जी, वर्षों से जो क्या चल रहा है और क्या होता आया, टूरिस्ट प्लेस है, विदेशी लोग भी आते हैं, हमारे देशी पर्यटक भी आते हैं और वो अपने देश की वेशभूषा में रहते हैं। यहाँ भारत में आके क्या हमारे वेशभूषा पहन के घूमेंगे? नहीं, पहली चीज। दूसरा ये कि मंदिर और ये आस्था के केंद्र हैं जी, उसको आने वाले की भक्त की आस्था को देखा जाना चाहिए। ठीक है, जूते नहीं चाहिए, जूते अंदर नहीं अलाउ होते हैं। किलिंग जी के मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ जूते मोजे खुलवा लिए जाते हैं जी। लेकिन वेशभूषा हमारे जो लोग हैं, हमारे घर के पर्यटक हैं, वो तो वैसे ही कोई दिक्कत में है ही नहीं। ये तो रेस्ट्रिक्शन हो सकता है तो विदेशियों पर हो सकता है, और विदेशी हमारे उदयपुर की एक आय का मेन स्रोत है, टूरिस्ट नगरी होने के नाते अगर आप उनको रोकेंगे तो उससे उदयपुर को नुकसान होगा, धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। भावनाएं तो अपनी जगह अचल है, हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम घर में बैठ के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं और मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, दोनों चीज अपनी जगह है। मन की आस्था और मन में जो पैदा किए हुए संस्कार हैं, वो संस्कार ही अध्यात्म को जागृत करता है, आध्यात्मिक प्रेरणा देता है जी। ये टूरिज्म के हिसाब से जो चलता आया है उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, लेकिन एकदम भी ऐसा करने से उदयपुर में टूरिज्म की वजह से जो हमारे लोगों को जो फायदा होता है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो होटल व्यवसाय के लोग हैं, उनको इससे नुकसान होगा, पर्यटन आना बंद करते हैं जी। ये सब चीजों को देखते हुए कन्हैया लाल जी की जो निर्मम हत्या हुई थी उसके बाद वैसे भी टूरिस्ट मार्केट थोड़ा सा कमजोर हुआ है, और ऐसे में इस तरह का जो ये तानाशाही वाला आदेश है, इस पे ये आदेश एक कुछ युवा संगठनों के द्वारा लगाया गया पर जिसका नेतृत्व अभी तक तो कोई करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो नेतृत्व संगठन की कोई बात कर रहा है तो वो एकदम ऐसे के चाहिए, और देवस्थान विभाग ने भी अगर कोई निर्णय लिया तो कोई सोच समझ के निर्णय लिया होगा जी। आज सभी ने देवस्थान विभाग का भी विरोध करा, उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग में तो असुर बैठे हुए हैं। अब इसके ऊपर तो मैं अधिक तो क्या बोलूंगा, हम तो सबकी भावनाओं को कदर करते, जो अच्छा निर्णय हो उसे किया जाना चाहिए।
जो सबके हित में हो। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, अगर गोप जी शर्मा से बात की जाए, जो कि जिलाध्यक्ष भी है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो अपनी इस विषय में क्या राय रखते हैं? मैं तो एक चीज जानता हूँ, धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, हमारे उदयपुर के पर्यटन को नुकसान नहीं होना चाहिए जी। और सबके हित को सोचते हुए सर्व भावनाओं को आधार बनाकर सबकी राय लेकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि हम अध्यात्म को कायम कर सके, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी हैं उनके जो नियम और कायदे हैं बने हुए हैं उनको हम अमल में ला सकें, और सबके हित की बात करते हुए और उदयपुर के हित की बात को सोचते हुए, देश की हित की बात को सोचते हुए तो हमारी परिपाटी चली आ रही है जो चलनी चाहिए, सब बैठ के राय करें तो अच्छा उचित निर्णय होगा। अमर्यादित वेशभूषा को पहनकर जगदीश मंदिर में जाना निषेध हो जाएगा, इसका विरोध लगातार हो रहा है कि किस तरह से देवस्थान विभाग ने वो पोस्टर हटाए और वो जो आदेश पुजारी मंडल ने जारी किया था उसका विरोध देवस्थान विभाग ने किया, उसके बाद में सनातन धर्म से जुड़े काफ़ी लोग आ गए और आंदोलनरत हो गए हैं। इस पूरे मसले पर एक विदेशी मेहमान हमें मिल गए, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए और इस कल्चर को हम भी काफ़ी पसंद करते हैं और जो भी पर्यटक होते हैं उन्हें भी ये कल्चर काफ़ी पसंद आएगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट व्हेन यू कम्स टू इंडिया एंड इट्स उदयपुर इज द टूरिस्ट सिटी द मैक्सिमम अर्निंग ऑफ द लोकल पीपल इज बियॉन्ड द टूरिस्ट ओनली इन दैट केस some of the people, group of peoples make some announcement that in the temples you are not allowed to wear the western dresses like shorts, like belts, like socks, everything is not allowed in the temple. Right. In that case, what do you think about that particular reason? Well, I think that is a valid reason. Yeah. If you're going to a holy place, then I think you should respect the temple's culture. And wearing shorts and exposing your body is not respectful. Yeah. And that would include all Westerners. In that case, you don't feel that some peoples, because Indians are known for their hospitality. Mm. We always welcome our guests. Yes, very much. Yeah. So, don't you think that this order is like disordering the guest? No, because if you're a guest in somebody's house, then you respect the rules of that house. Okay. So it's the same as when you go to somebody's country, you respect the rules and culture of that country. जी. Yeah. तो ऐसे में सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे. Thank you, madam. No problem. इन्होंने बहुत ही सजी और साधारण भाषा में एक बात कही है कि अगर छोटे कपड़ों में मंदिर में ना जाना चाहिए, जो ये विदेशी मेहमान भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है तो उन मेहमानों को भी उनकी संस्कृति की कदर करनी चाहिए। हिंदुस्तान अपनी मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पधारो हमारे देश की परिपाटी इस देश में भली भांति जानी जाती है, इसीलिए लाखों लाख पर्यटक इस देश को देखने, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अंदरूनी शहर के विकास के लिए ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी बनी है और वह कमेटी काफ़ी अच्छे काम कर रही है, और उसी कमेटी में जो भी वार्ड आते हैं उन वार्डों की साफ़ सफाई हो या उसके विस्तार या सुधार की बात हो, वो ये कमेटी करती आई है। इस कमेटी और गाइड एसोसिएशन से जुड़े प्रदीप बार्बर से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ किया कि वह कई सालों से गाइडिंग कर रहे हैं और पूरे देश में वो घूमे हुए हैं, और जो कल्चर है वो अंग्रेज या जो भी विदेशी मेहमान हैं वह मानते आए हैं, और इस वेशभूषा को वो भी काफ़ी पसंद करेंगे। किसी पे थोपा गया ये नहीं है, लेकिन अगर समझाया जाएगा तो मंदिर में प्रवेश को लेके सारे ही विदेशी मेहमान भी मान जाएंगे और उसी वेशभूषा में आके दर्शन करेंगे और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि कुछ युवा संगठनों के द्वारा लगातार कई मंदिरों में एक बैनर या पोस्टर लगा दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ पाया जाता है कि छोटे कपड़ों में, स्कर्टों में
या फिर शॉर्ट्स के अंदर, बरमूडों में, पजामों में मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इन सारे आदेशों को कहाँ तक उचित मानते हैं, क्योंकि उदयपुर पर्यटन के पटल पर उदयपुर की पहचान है और यहाँ पर लोगों के आय का मुख्य स्रोत भी पर्यटन पर निर्भर है। सर, एक टूरिस्ट गाइड होने के नाते मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, आप इसको अदरवाइज ना लें। हर धर्म की अपनी एक वो तरीका होता है, जैसे हम अगर रानकपुर जी के जैन मंदिर में जाएं तो वहाँ पर भी इस तरह का ड्रेस कोड है। रानकपुर जी, नाकोड़ा जी, और इवन जैसे मैं दिल्ली भी जाता हूँ तो दिल्ली के जामा मस्जिद में भी ड्रेस कोड है। हर जगह, हर धर्म में ये एक नियम है और उसको सभी फॉलो करते हैं। एक टूरिस्ट गाइड होने के नाते ये जो जगदीश मंदिर में ये जो लिया है, मतलब जो बैनर और फ्लैग्स लगाए, वैसे तो सही है लेकिन शायद लगाने का तरीका गलत हो सकता है। इनमें जिस किसी ने भी ये लगाया, मुझे नहीं मालूम किसने लगाया, लेकिन जिसने भी लगाया है अगर देवस्थान विभाग को इन्फॉर्म करके उनको फेवर में लेके अगर ये लगा देते तो शायद विभाग को भी कोई आपत्ति नहीं होती। और ऐसा सुनने में आया था तो आज लोगों ने देवस्थान विभाग आयुष साहब को ज्ञापन भी दिया है इस बारे में जी। और मैं इसके फेवर में हूँ कि ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं जैसे किसी टूरिस्ट के साथ मंदिर में, सपोज़ जगदीश मंदिर में गया हूँ, तो अगर उसने छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो मेरा कर्तव्य है उसको बताना कि यू आर नॉट अलाउड, यू शुड वियर प्रॉपर ड्रेस। गेस्ट कभी कभी पूछ लेता है व्हाई यू आर आस्किंग दिस, देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, नो मेंशन, देन उस कंडीशन में मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। लेकिन अगर वो लिखा हुआ होता है ना तो मेरी बात में वजन रहता है कि देर इज़ ए इन्फॉर्मेशन। प्रदीप जी, बार्बर की बात की जाए, एक टूरिस्ट गाइड होने के नाते जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप इस बात से सहमति जताते हैं कि इस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसमें सहमति जताता हूँ, एक गाइड होने के नाते ड्रेस कोड होना चाहिए। शायद आपका जन्म भी जगदीश चौक इलाके में ही हुआ और आज आप 40-45 साल की उम्र आपकी रही होगी, 45 सावन आप देख चुके हैं वहाँ पर। ऐसे में अगर वहाँ कोई अप्रिय घटना होती है, मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया, उसने कहा आपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी कपड़े दे दिए, उसने कहा मैं नहीं पहनता, ऐसे में अगर वहाँ भविष्य में, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू को आपको देखना पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देख सकते, दूसरे पहलू पर अगर हम ये देखते हैं कि किसी में टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीजी होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? आपने जो प्रश्न किया है मेरे वो दिमाग में सही ढंग से बैठ नहीं रहा है। अगर कोई कपड़े, स्कार्फ या लुंगी या धोती पहनकर, अगर नेकर के ऊपर ही पहनकर दर्शन करने जाना है, उसमें कैसी अप्रिय घटना होगी? मैं ये डाइजेस्ट नहीं। अप्रिय घटना मतलब कि मान लीजिए कि मैं कहीं गया, हाँ। मैं आज इंग्लैंड घूमने गया, किसी ने मुझे कहा चर्च में जाने के लिए आपको ये कोट पहनना जरूरी है और मैंने उसको कहा कि मैं नहीं पहनता और वहाँ पर मेरे साथ कोई मारपीट होती है, तो उसके लिए जवाबदार कौन है? अगर इस तरह की कोई घटना होती है कि आप कपड़े पहन कर नहीं जा रहे हो, इस बात की तो मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ, इस तरह के लोग नहीं हैं, वो तो हमेशा कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, नो प्रॉब्लम, इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ आवर चॉइस टू एक्सप्लेन यू, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वियर इट इज़ ओके। मुझे नहीं लगता है कोई उनसे मारपीट वगैरह करेगा, आई डोंट थिंक। मतलब प्रदीप जी की नज़रों में ये जो हुआ है, ये जो फैसला है, इसे आप 101% सत्य मानते हैं और ऐसा होना भी चाहिए आपकी नज़र में? आप सर्वे करवा लीजिए, आप 100 लोगों से सर्वे करवाइए, उस सर्वे में आपको कंक्लूजन खुद मिल जाएगा कितने प्रतिशत लोग इसके फेवर में हैं और कितने प्रतिशत इसके फेवर में नहीं। विदेशी मेहमान मेवाड़ के कल्चर और संस्कृति को भली भांति मानेंगे और जानेंगे और कोशिश करेंगे कि वह वेशभूषा में ही मंदिर में दर्शन करें और मंदिर के इतिहास के बारे में जानें, उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। यह कहना था गाइड प्रदीप बार्बर का। अब आपको बता देते हैं कि इस पूरे आंदोलन में एक नया विरोध और उपजा है, देवस्थान मुक्त जगदीश मंदिर। ये कहां से आया, किसने किया, क्या यह कोई चाल तो नहीं थी, क्या यह कोई षड्यंत्र तो नहीं था? क्योंकि मेवाड़ के जितने भी मंदिर हैं वह देवस्थान विभाग के अंदर ही आते हैं और वहाँ पर काम भी अच्छा हो रहा है, जो पुजारी वहाँ पर लगे हुए हैं
वह सवैतनिक होते हैं, लेकिन जब जगदीश मंदिर में प्रवेश करते हैं तब इन दिनों कुछ ऐसा देखा जा रहा है। आपने कई मंदिरों में दर्शन किए होंगे, उन दर्शनों में परिक्रमा करने के समय लगता है कि जो घड़ी की सुई जिस तरह से घूमती है उसी तरह से परिक्रमा हमें करनी पड़ती है, लेकिन इस मंदिर में यह परिक्रमा उल्टी हो गई है और चारों तरफ लोहे की एंगल लग गई है, और जैसे ही दान पात्र की तरफ गुजरते हैं वहाँ पर एक रस्सी लगा दी गई है जिससे सीधा मूर्ति की तरफ जाके दर्शन होते हैं। और अगर आपको कुछ भेंट भी करना है तो वहाँ पर एक थाली लगी हुई है जिसमें आप भेंट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये लगा जा रहा है कि जो ज़्यादातर श्रद्धालु जहाँ आते हैं वह उस दान पात्र तक नहीं पहुँच सकते हैं जो देवस्थान विभाग ने लगा रखा, वो सीधे उसी दान पात्र में या उसी थाली के पास पहुँचेंगे जहाँ प्रभु के दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो दान कर पाए वहीं करते हैं। तो ये इस तरह की नया सिस्टम जो लागू हुआ है और उसके बाद में जो बात निकली है कि देवस्थान मुक्त मंदिर, ये कहीं न कहीं एक षड्यंत्र यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। सनातन धर्म की बात हो रही है, वेशभूषा की बात हो रही है, तब तक तो सही है, सब कर लेंगे। इस पूरे मसले पर जब वेशभूषा को लेकर सभी लोग, सभी धर्मावलंबी, सभी सनातन को मानने वाले लोग देवस्थान पहुँचे तो वहाँ पर बुधवार तक इस मसले को हल करने की बात की गई। इस पूरे मसले पर देवस्थान विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। सर, एक प्रश्न का जवाब आपसे चाहिए था कि कल देवस्थान विभाग द्वारा एक कार्रवाई होती जिसके अंदर जगदीश मंदिर के अंदर कुछ लोगों या लोगों के समूह द्वारा कुछ एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि छोटे कपड़ों में या लोअर टी शर्ट में, बरमूडे में, मोजे पहनकर या बेल्ट पहनकर मंदिर में प्रवेश वर्जित है जी, और आपके आपके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है, इन सारे विषयों के बारे में क्या कहेंगे सर? इस संबंध में है कि जगदीश मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित एक सरकारी मंदिर है, राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मंदिर है जी। और परसों हमें सूचना दी गई कि इस तरह के पोस्टर किसी के द्वारा लगवाए गए, तो हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे इंस्पेक्टर और मैनेजर को मौके पर भेजा और मौके पर यह पाया गया कि यह बात सही है कि जो राजस्थान पत्रिका में या अन्य समाचार पत्रों में खबर छपी है इस तरह के पोस्टर बैनर लगाने की प्रतिबंधात्मक, तो इस तरह के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। क्योंकि यह एक सरकारी मंदिर है और सरकार ने या विभाग ने इस तरह के कोई आदेश प्रतिबंधात्मक ड्रेस कोड को लेकर नहीं जारी किए थे, इसलिए निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि तुरंत प्रभाव से ऐसे पोस्टर बैनर को सरकारी मंदिर से हटाया जाए। जी सर, एक छोटा सा सवाल का जवाब और चाहिए था आपसे कि कुछ लोगों द्वारा आज कल आपकी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आज कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, उनमें से कुछ लोगों ने ये भी इंजाम लगाया कि देवस्थान विभाग में असुर बैठ रहे हैं। देवस्थान विभाग में असुर लोग बैठे हुए हैं। अब देखो, ये किसी की अगर व्यक्तिगत कोई प्रतिक्रिया है उसके बारे में मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर विभाग में कोई ज्ञापन या किसी संगठन के या इस तरह के आएंगे तो उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ये विभाग की तरफ से मैं कह सकता हूं। सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि जगदीश मंदिर में मर्यादित वेशभूषा, जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं उसी को पहनकर प्रवेश कराया जाए, इसलिए इन पोस्टरों को हटाया गया है। इससे ज़्यादा कुछ भी जिम्मेदार अधिकारी ने हमें नहीं कहा, लेकिन विरोध अभी भी कायम है। सनातन धर्म की पालना करने वाले सभी लोग यह मानते हैं कि मंदिर में प्रवेश उसी वेशभूषा से होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक सवाल बड़ा और खड़ा है कि जो वेशभूषा की पालना करेंगे वो क्या सिस्टम में रहेगा, और ये जो नियम लागू करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो लोग हैं और भी ऐसे कोई सवाल हों, और भी ऐसे कोई नियम लगाने हों तो अभी लगा दें, क्योंकि पता चला है कि बुधवार तक इस पर फैसला हो जाएगा। अगर बुधवार को फैसला सनातन धर्मियों के पक्ष में आता है तो खुशी की बात सभी के लिए है, और नहीं आता है तो कहीं विरोध और होगा। इसलिए कुछ नियम अगर और बाकी रह गए हों और बनाने हों तो उनको भी बना लीजिए, क्योंकि ये बात मंदिर की है, ये सवाल आस्था का है, हमारी धर्म का है, और धर्म की पालना में सभी लोग एक साथ रहते हैं, और कहीं न कहीं
इस मंदिर के बाद में आगे भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ भी इस तरह की परिपाटी शुरू हो जाएगी, तो देवस्थान विभाग से एक साथ बैठ के जितने भी धर्म संगठन हैं, जितने भी यहाँ पर चिंतक लोग हैं, जो भी विभिन्न पार्टियों के जिम्मेदार लोग हैं, उनको एक साथ ही बैठ के ये काम कर देना चाहिए, क्योंकि इन सारे विरोधों से समय की और सिस्टम की बर्बादी भी होती है। पर्यटकों की नगरी है, हाल ही में इस माह के बाद में सारे पर्यटक आने वाले हैं और पर्यटकों से गुलजार ये शहर रहेगा। इसमें अगर विरोध करेंगे तो कहीं न कहीं पर्यटकों को यहाँ पर आने से अफसोस होगा और ये पर्यटक नगरी है तो कहीं बदनाम नहीं हो जाए। चर्चा चौराहे की मैं अभी इतना ही, आगे आपसे और भी बड़े ज्वलंत मुद्दों से रूबरू होता रहूँगा। इजाज़त दीजिए मनु राव और पूरी न्यूज़ टीम को, नमस्कार।